नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस्तौली विधायक ताहिर खान ने किसानों की समस्या को लेकर लिखा पत्र, डीएम से की दूरभाष पर बात। जिलाधिकारी सुल्तानपुर जसजीत कौर ने इस्तौली विधायक ताहिर खान के छोटी नहरों में पानी खुलवाए जाने के पत्र को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग खंड 16 समेत सभी सहयोगी इकाइयों को नहरों में पानी सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी किया है। छोटी नहर माइनर में पानी नहीं होने से सैकड़ों एकड़ भूमि पर धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि किसानों की पानी की मांग को देखते हुए शीघ्र से शीघ्र पानी नहरों में उपलब्ध कराने के लिए अधिशासी अधिकारियों को हिदायत दी गई है। इस संबंध में जब इसौली विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं जब से विधायक बना हूं, नहरों और माइनर में पानी की उपलब्धता के लिए हमेशा प्रयास किया है। और राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में भी मैंने इस पर प्रश्न उठाया है। औरंगाबाद धम्मौर डिवाइस हो या कुडवार, मैंने हमेशा अधिकारियों से बात करके हेड से टेल तक पानी उपलब्ध कराया है। धाराएं गंजेहड़ी और सोहगौली तक माइनर में भी पानी उपलब्ध कराया है। इन माइनर में कहीं कहीं ठोकर बना दिया गया है जिसके कारण पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा है। इन सभी ठोकरों को तोड़ना होगा। आगे उन्होंने कहा कि कल ही बंद हुआ बिकना के किसानों ने पानी की समस्या से मुझे अवगत कराया है। जानकारी मिलते ही मैंने दूरभाष पर जिलाधिकारी से बात की और समस्या की गंभीरता को अवगत कराया। मैंने जिलाधिकारी जसजीत कौर के व्हाट्सएप नंबर पर किसान द्वारा लिखित शिकायती पत्र और फोटो भेज दिया है। आज भी मेरी पुनः जिलाधिकारी से बात हुई है। जिलाधिकारी द्वारा नहरों में पानी की समस्या के निस्तारण के लिए अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारियों को गंभीरता से हिदायत दी गई है। शीघ्र ही नहरों में पानी उपलब्ध रहेगा और किसान धान की रोपाई कर सकेंगे। बातचीत में विधायक ने आगे बताया कि चंद दिनों पूर्व सथरी झील के आसपास के क्षेत्र धबिया, बड़नपुर, खाजापुर, मटहा आदि ग्राम वासियों के किसानों की फसलें जलमग्न हो गई थी। इस समय भी मैंने एसडीएम बलदी राय के साथ साथ खंड के 16 अधिशासी अभियंता और जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात की थी और युद्ध स्तर पर समस्या का निस्तारण कराया था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान की फसल ही उसकी जीविका का साधन है। इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान का प्रयास शीघ्र ही फलीभूत होते हुए देखा जा सकता है। इसौली विधायक हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रयासरत रहते हैं जिससे क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। सुल्तानपुर से राजदेव यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।